हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ग्रेड जीके का आपका पेपर हुआ है आज 11 डेट को। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, ठीक है, थर्ड ग्रेड की, तो जो भी हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोज़ और नोट्स आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आज का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें केवल और केवल मैंने राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं, ठीक है, जिसमें से नोट्स में से आपको हूबहू यही देखने को मिल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है। जो भी बच्चे आज देकर आए हैं, यहाँ पर जो है वो पूछा गया है ताम्रवती नगरी जो है वह है, तो कौन सी है, तो बिल्कुल नोट्स में आपको दिखेगा कि वो है आहड़ सभ्यता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो गणेश्वर सभ्यता से आ गया है कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र सभ्यताओं की जननी है या ताम्र संचयी संस्कृति है, ये पूछ लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके महाराणा प्रताप से संबंधित पूछा गया है कि इन जो है कीका के नाम से किसे जाना जाता है, महाराणा प्रताप को। देख लीजिए आप, बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। उसके बाद जालौर दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर क्या रखा, जलालाबाद रखा, ठीक है। कई बच्चे जो खेराबाद सोच रहे थे वो नहीं है, मैंने आप लोगों को उसके बारे में भी बताया था कि खेराबाद यानी कि जो शिव से पंगा लेगा तो उसकी खैर नहीं, तो वो रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग का, ठीक है। यहाँ पर जालौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था और शिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था, खेराबाद। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आपके साहित्य से आया है कि जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो 1060 ईस्वी के प्राप्त हुए, कहाँ से मिले हैं ये पूछा गया है, तो जैसलमेर आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो जो भी वीडियोज़, जो भी नोट्स आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी कोर्स जिन बच्चों ने दिया हुआ है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो केसरी सिंह बारट का क्वेश्चन आया है, ये पूछा गया है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन में केसरी सिंह बारट हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप खुद ही देख लीजिए, केवल राजस्थान जीके के ही प्रश्न बता रही हूँ, अभी तो मैंने और भी कोई भी प्रश्न नहीं देखे हैं, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से जो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है उन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे, ये पूछ लिया गया था। मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब जो आप लोगों को प्रीवियस पेपर दिखाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, जो जिन बच्चों ने उसे देखा तो ये वाला आंसर सही करके आए होंगे। तो यहाँ पर घुमाकर ये पूछ लिया गया है कि हरिपुरा अधिवेशन जो है वो किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से है, या सुभाष चंद्र बोस जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मिल गया और ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। राजस्थान की साक्षरता दर पूछ ली गई है, तो उसके लिए आंसर जो है कोटा रहेगा, ठीक है। राजस्थान में लिंगानुपात जो है ये पूछ लिया गया है, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल सारे डेटा जो आपके पास हैं, आप लोग सभी बहुत अच्छे से करके आए होंगे जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है। इसी तरीके से सेकंड ग्रेड का आपका एग्जाम होगा, थर्ड ग्रेड का भी होगा, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है वो आप लोगों के पास जो है वो जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।